हमने लास्ट क्लास में जो किया था हमने एक चैप्टर स्टार्ट किया था हमारा सिलेबस का दैट वाज रजिस्ट्रेशन हमने स्टार्टिंग की चीजें समझी थी उसके अंदर तो क्या क्या चीजें होती हैं कैसे कैसे होती हैं लिमिट्स वगैरह थोड़ी बहुत हमने देखी थी उसके अलावा उसकी जो हमने बेटा अभी तक कवर किया है अच्छा वन थिंग मो देर माइट बी फ्यू स्टूडेंट्स हु क्लास ओनली टूडे सो No need to worry about it. आप यहीं से क्लास स्टार्ट कर सकते हैं बट आई प्रीवियस क्लास जरूर देख लें ठीक है प्रॉब्लम आपको नहीं आएगी आई एल मेक श्योर कि जो भी जहां से भी आप ऑनबोर्ड करें आपके सारे डाउट्स क्लियर होते रहेंगे और आप प्रॉपर क्लास में बने रहिए बस बट हमने जो लास्ट क्लास में बेटा किया था उसमें आज या उसके बाद किसी को कोई डाउट है बेटा अभी तक हमने जो भी चीजें कवर अप की हैं किसी का कोई डाउट है तो प्लीज बता दीजिए विल विल टेक इट अप राइट नाउ एल्स वी किक ऑफ द सेशन बताइए बेटा अगर आपको कोई भी डाउट है लेट्स टेक इट राइट अवे और विल टेक द डाउट्स एट द एंड ऑफ द क्लास सो विल विल फॉलो द पॉलिसी ऑफ डाउट्स लाइक

आर्टिकल टू फोर्टी फाइव एंड टू फोर्टी सेवन में डिफरेंस बता दीजिए टू फोर्टी सिक्स एग्जैक्टली और किसी को कोई डाउट है बेटा प्रीति hmm. आपका ये डाउट बेसिकली बैकग्राउंड से रिलेटेड है सो विल टेक दिस डाउट एट द एंड ऑफ द क्लास अगर अभी कोई रजिस्ट्रेशन का कोई डाउट है तो हम अभी ले लेते हैं क्योंकि स्लाइड अभी वही ओपन है तो बेटर रहेगा बट डोंट वरी आई टेक योर डाउट एट द एंड ऑफ द क्लास बट रजिस्ट्रेशन में अगर कोई डाउट हो तो प्लीज अभी बता दीजिए विल टेक इट अप ठीक है बेटा लेट्स बिगिन द सेशन बिल्कुल बेटा कराते हुए चलेंगे So, बेटा, हमने लास्ट क्लास में जो देखा था कि जो हम जीएसटी ले रहे हैं जीएसटी का मतलब देखा हमने रजिस्ट्रेशन देखा बेसिकली हमने कि रजिस्ट्रेशन होता क्या है हमने उस चीज को यहाँ पे टेकअप किया था कि रजिस्ट्रेशन होता क्या है मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था कि अगर आप एडमिशन आप एस आर सी सी में एडमिशन लेने के लिए जा रहे हैं कॉलेज के अंदर तो आपको एक फॉर्म भरना पड़ता है आपको प्रॉपर प्रोसेस फॉलो करना पड़ता है कि आप पूरा डेटाबेस अपना दीजिए आपका केवाईसी दीजिए आपकी मार्कशीट दीजिए अपनी फीस जमा कीजिए होता है ना एक प्रोसेस होता है कि अगर आपको किसी कॉलेज में जाना है तो पूरा फॉर्म भरना पड़ता है आपको पूरा प्रोसेस करवाना पड़ता है कि हाँ ये डेटा आप उन्होंने मांगा है तो वो हमें देना है सिमिलरली अगर आप जीएसटी में एनरोल करवाना चाहते हैं आपको लगता है कि नहीं हमारा जो बिजनेस है बड़ा हो रहा है हमें अब बिजनेस में जीएसटी लेना पड़ेगा ठीक है बेटा तो वहां पे फिर गवर्नमेंट बोलती है जो भी स्टेट गवर्नमेंट है या सेंट्रल गवर्नमेंट है वो लोग बोलते हैं कि ये प्रोसेस है और इसके हिसाब से आप डेटा हमें दीजिए ये फॉर्म है आपका मैंने आपको बताया था आ, ये गवर्नमेंट की वेबसाइट है बेटा सॉरी ये गवर्नमेंट की वेबसाइट है बेटा आप इस पे जाके लॉग इन करेंगे ठीक है तो यहाँ पे आपको रजिस्ट्रेशन का पेज दिखता है ठीक है मैं आपको एंड में दिखाऊंगा कि पेज द पेज लुक लाइक्स ओरिजिनली मैं यहीं पे ओपन कर दूंगा एंड यू कैन सी हाउ द पेज एग्जैक्टली लुक लाइक्स ठीक है पे जाके हमें लॉग इन करना पड़ता है पे हम क्या क्लिक करते हैं ठीक है तो बेसिकली ये पूरा हमारा मैंने बताया था कि रजिस्ट्रेशन क्यों लेते हैं ठीक है जैसे का प्रोसेस है सिमिलरली समझ लीजिए कि जीएसटी में जाने के लिए हमें प्रॉपर प्रोसेस के थ्रू जाना पड़ता है ठीक है बेटा पे पे मैंने आपको पूरा एक पेज, -पेज समझाने की कोशिश करी थी कि जीएसटी है क्या कैसे उसका नंबर बनता है क्या प्रोसेस है एक एक लाइन का मैंने आपको मतलब बताया था कि जीएसटी नंबर लेना जरूरी क्यों है याद आया कुछ या नहीं आया बताइए बेटा मैंने यहाँ पे आपको ये बताया था कि जीएसटी नंबर लेना क्यों जरूरी है एक एक वर्ड को हमने पार्ट में ब्रेक डाउन किया था कि जैसे मैंने यहाँ पे बताया कि सप्लायर कौन है मैंने बताया यूनिक का मतलब क्या है आइडेंटिफिकेशन का मतलब क्या है मैंने आपको बताया कि जीएसटी ये फिफ्टीन डीज का लॉजिक भी मैंने आपको बताया था इफ यू रिमेम्बर इफ आई कैन सी कैंसर मैंने आपको एक स्लाइड में बताया था ना फिफ्टी डीज का लॉजिक क्या था

ये हो गया आपका नेक्स्ट टेन नेक्स्ट आपकी दो डिजिट्स होती हैं विच रिप्रेजेंट वन एंड जेड एंड लास्ट वन डिजिट इज रैंडम नंबर यू कैन से ठीक है तो दिस टू प्लस टेन प्लस थ्री इज टू फिफ्टीन ये आपका पूरा का पूरा फिफ्टीन डिजिट का जीएसटी नंबर बन जाता है बेटा तो यहाँ पे हमने ये चीज देखी थी फिर हम मैंने बताया था आपको कि ये इसके दो पर्प है पहला आइडेंटिफिकेशन ऑफ द टैक्स पेयर जैसे आपका एडमिशन हो गया आपके SRCC में तो आपको आई कार्ड मिलता है आई कार्ड में क्या लिखा होता है दिस मिस्टर कुशल सिंह ठीक है आपका नाम हो गया फिर आपका एक एडमिशन नंबर होता है ठीक है वो आपके आइडेंटिफिकेशन हो गया और उसके बाद जीएसटी में क्या है एंड टू चेक कंप्लायंस मैकेनिज्म वो आईडी कार्ड एक तो आपकी आपका क्या बता रहा है कि दैट यू आर द पार्ट ऑफ दिस कॉलेज ओके एंड द थिंग कि कोई भी बच्चा गलत तरीके से कॉलेज में ना आ जाए तो सिमिलरली अगर मैं के थ्रू समझाऊं तो जीएसटी में बेटा क्या होता है कि आपने नंबर तो नहीं लिया लेकिन आप उसके बाद के जो प्रोसेस हैं वो सही से फुलफिल कर रहे हैं या नहीं गवर्नमेंट वॉन्ट टू चेक यू कि आपने जो अपनी टर्नओवर बताई है हमें कि वो सही है या नहीं है मैंने आपको लास्ट में बताया था एक कॉल्ड आईटीसी आईटीसी भी देखना चाहती है कि आप सही से ले रहे हैं या नहीं ले रहे हैं कहीं गलत गलत तरीके से आईटीसी तो नहीं ले रहे हैं जब बच्चों ने मुझसे पूछा था इसका मतलब कि सर ये 177 का क्या होगा जैसे मैंने आपको क्या बताया था आपने ज्वलरी खरीदी साठ लाख रुपए की याद एग्जाम्पल

ठीक है इंक्रीज कर दोगे तो आप भी पूरा आई से अपनी खत्म कर सकते हो लेकिन बात यह आती है कि गवर्नमेंट वॉन्ट्स टू चेक वेदर दिस टू लाख सॉरी 180 और 177 इज द नंबर करेक्ट और नॉट तो वो कैसे देखेंगे ऑफ कोर्स व्हेन यू डू हैव अ जीएसटी नंबर ठीक है बेटी आई होप यू आर ऑन ट्रैक ठीक है तो हम इस एग्जांपल के थ्रू तो आप आगे चलते हैं मैंने आपको बताया था कि जीएसटी लेने के फायदे क्या क्या हैं सारे के सारे फायदे मैंने बेसिकली इस एग्जाम्पल में डालने की कोशिश करी थी कि इस एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको सारी चीजें समझा पाऊं तो यहाँ पे हमने सारी चीजें कवर की थी आउटपुट लाइबिलिटी क्या होती है इनपुट टैक्स क्रेडिट क्या होता है सप्लायर uh, कौन होता है रेसिपियंट कौन होता है और क्या क्या देखा था हमने सप्लायर कैश नॉकिंग ऑफ आईटी आउटपुट लाइबिलिटी एडजस्टमेंट ऑफ इनपुट लाइबिलिटी

तो ये सारी चीजें हमने बहुत डिटेल में में लास्ट क्लास कवर की थी बेटा ठीक है आगे चलते हैं ये मैंने आपको बताया एडवांटेजेस क्या क्या, क्या होते हैं जीएसटी के सारे हमने वहीं पे कवर किए थे और ये मैंने आपको बताया था कि अल्टीमेटली रजिस्ट्रेशन में हम क्या क्या चीजें कवर करने वाले हैं पहले मैंने क्या बताया था पर्सन लाइबल फॉर रजिस्ट्रेशन पर्सन नॉट लाइबल फॉर रजिस्ट्रेशन कम्पल्सरी रजिस्ट्रेशन इसका प्रोसीजर क्या होगा ये सारे सेक्शन है बेटा किस किस सेक्शन में क्या क्या, क्या चीजें लिखी हुई है ठीक है ये सारी चीजें हमने कवर, कवर की थी फिर हम आगे चल रहे थे बेटा सॉरी कि हमने पहले टॉपिक को कवर किया था मतलब पिच किया था कि कैसे हम सेक्शन बाईस के अंदर कौन कौन लोग जीएसटी नंबर लेने के लिए लाइबल है तो लाइबिलिटी कैसे बेटा मैंने बेटा, आ, आपको क्या बताया था कि अगर आपकी टर्नओवर टर्नओवर मतलब सेल्स टर्नओवर मतलब सेल्स अगर आपकी टर्नओवर अदर देन स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स में उनको छोड़ के अगर आपकी टर्नओवर 20 लाख रुपए से ज्यादा है 20 लाख रुपए से ज्यादा है तो आपको नंबर देना पड़ेगा जैसे मैं एग्जांपल दूं एक बच्चा आता है कि सर मुझे ना अपना बिजनेस शुरू करना है मैंने बोला बहुत अच्छी बात है आप कौन सा बिजनेस शुरू करना चाहते हो तो बच्चे ने बोला कि सर मैं चाहता हूँ कि मैं इम्पोर्ट एक्सपोर्ट करूँ या फिर तो उसने बोला कि सर मैं क्या करूंगा मेरा ना सर एक्चुअली फोन खरीद के बेचने का काम है फोन खरीदता हूँ और मैं बेच देता हूँ ये मेरा काम है सर तो मेरा बहुत अच्छी बात है एक साल में कितने का बिजनेस करोगे आप तो बोला सर मेरा कम से कम पैंतीस लाख रुपए का साल का बिजनेस हो जाएगा मैं कहा सर ठीक है हो तो जाएगा लेकिन अब आपको जीएसटी नंबर लेना पड़ेगा बोलेगा सर क्यों मैं बेटा, आपका एक साल का दिल्ली की बात करूं आपका एक साल का बिजनेस बीस लाख रुपए से विच इज लिमिट देश गया बेटा ये न फाइनेंशियल ईयर की बात कर रहा है वो फाइनेंशियल कहां से शुरू होता है एक अप्रैल दो हजार अप्रैल से बेसिकली इकतीस मार्च तक का दिस इज फाइनेंशियल ईयर बच्चे इसमें कंफ्यूज मत होना कि कैलेंडर ईयर और फाइनेंशियल क्या होता है बेटा कैलेंडर ईयर आपका स्टार्ट होता है जनवरी से विच इज फर्स्ट ऑफ जनवरी टिल थर्टी फर्स्ट ऑफ दिसंबर और आपका आपको स्टार्ट होता है फर्स्ट अप्रैल से थर्टी फर्स्ट मार्च तक मेक श्योर डिफरेंस बिटवीन कैलेंडर ईयर एंड द फाइनेंशियल ईयर ठीक है बेटा फाइनेंशियल ईयर में आपकी टर्न ओवर बीस लाख रुपए से ज्यादा है आपको नंबर लेना पड़ेगा अगर आप नहीं ले रहे हो द मोमेंट एन गवर्नमेंट विल कम टू नो अबाउट दिस फैक्ट

हमने हमने कवर कवर किया किया था, था कि जो जीएसटी से पहले से पहले एक्ट था उस उनको कैसे नंबर लेना है यहाँ पे हमने कुछ की थी और मैंने आपको ये बताया था कि की कैसे भी भी लेना पड़ता है और और के भी लेना पड़ता है ठीक है बेटा अब बेटा हमने सवाल पूछ मैंने आपको बताया था कि एक वर्ड मैंने बहुत ज्यादा फोकस किया था और वो वर्ड था मेरा ये वाला नहीं सॉरी सॉरी ये वर्ड वर्ड नहीं था वर्ड था मेरा ये टर्न ओवर जो मैंने यहां पर ये वाला वर्ड ये देखिए मैंने इसको कवर इसको मैंने हाईलाइट कर रखा हुआ है एग्रीगेट टर्न ओवर कलर चेंज करता हूं यहाँ पे मैं हल्का सा क्या बोला मैंने एग्रीगेट टर्न ओवर ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्यों क्योंकि बेटा अब आपको ये पता लगाना है कि सर आपने बीस लाख रुपए बता दो दिए आपने बता दिए बीस लाख रुपए तो वो बीस लाख रुपए कैलकुलेट कैसे होंगे सर वो बताइए आप हमें आप हमें ये बताइए वो बीस लाख रुपए कैलकुलेट कैसे मार्क किए जाएंगे ठीक है बेटा अच्छा लेट्स वन थिंग बेटा लेट्स फोकस ऑन द सब्जेक्ट अगर कोई भी चीज आपको समझ में नहीं आ रही है तो डोंट वरी क्लास रिकॉर्ड हो रही है और वो रिकॉर्ड प्रॉपर सेंस में हो रही है आपको वो रिकॉर्डेड ऑप्शन में मिल जाएगी ठीक है तो डोंट वरी अबाउट इट कि कोई टॉपिक आपका कॉन्सेप्ट मिस हो रहा है क्लास रिकॉर्ड हो रही है और रिकॉर्डिंग आपको प्रॉपर फॉर्मेट uh, में मिलेगी ठीक है बेटा तो अभी हम क्या डिस्कस कर रहे हैं कि हमें यह देखना है कि ये हमारा जो एग्रीगेट टर्नओवर का कॉन्सेप्ट है ठीक है जो हमारा एग्रीगेट टर्नओवर का है बेटा हमें यह समझना है कि जो बीस लाख रुपए है वो बीस लाख रुपए में हमें क्या क्या इंक्लूड करना है और क्या क्या एक्सक्लूड करना है वेरी इंपॉर्टेंट थिंग बिकॉज अगर आप ये आज समझ गए तो हम जब जब एग्रीगेट टर्न की बात करेंगे आप वो सारा कॉन्सेप्ट समझ जाओगे ठीक है तो फ्रॉम दैट द वर्ड्स विच आर रिटर्न ओवर हेयर एक एक वर्ड को हम सेम डिस्कस करेंगे जैसे हमने रजिस्ट्रेशन के पैराटॉपिक को डिस्कस किया था कि ये चीज है क्या चीज ठीक है समझिए बेटा क्या कहता है एज पर सेक्शन टू सब सेक्शन सिक्स सीजीएसटी एक्ट ध्यान से पढ़ना बेटा हम किस एक्ट की बात पढ़ रहे हैं वो भी वो पढ़ समझना बहुत जरूरी है ठीक है एग्रीगेट टर्न ओवर मींस द एग्रीगेट वैल्यू ऑफ ऑल टैक्सेबल सप्लाई क्या बोला इसने ऑल टैक्सेबल सप्लाई मतलब सर कह ऐसा भी होता है जो नॉन टैक्सेबल हो बिल्कुल होता है बेटा ये बहुत जरूरी है अगर आप यह समझ समझेंगे लॉ में कि लॉ में बेटा एक बात ध्यान रखना हर वर्ड के पीछे एक मकसद है हर एक वर्ड के पीछे एक मकसद है वो मकसद हमें अगर समझ में आ गया तो समझ लो हमें लॉ समझ में आ गया ठीक है मैंने यहाँ पे क्या लिखा हुआ है यहाँ पे वैल्यू ऑफ ऑल टैक्सीबल टैक्सेबल सप्लाईज ठीक है अब यहां पे देखिए क्या लिखा हुआ इसने यहां पे इसने क्या लिख दिया एक्सक्लूडिंग मतलब हटा दो किसको वैल्यू ऑफ इनवर्ड सप्लाईज ऑन विच टैक्स इज पेबल बाय अ पर्सन ऑन रिवर्स चार्ज बेसिस सर इतनी लंबी लाइन समझ में कैसे आएगी मैं समझाता हूं बेटा क्या बोला उसने टैक्सल सप्लाई हो गया बिल्कुल सही ध्यान से समझना एक्सक्लूडिंग हटा दो किसको वैल्यू ऑफ इनवर्ड सप्लाई मतलब सर आपने तो आउटवर्ड सप्लाई बताया था ये इनवर्ड सप्लाई क्या होता है मैंने आपको बताया मतलब जो हम बेच रहे हैं तो बेटा अगर आप बेचोगे तो खरीदोगे भी तो सही तो जो जो बेचा जा रहा है उसे क्या बोला जा रहा है आउटवर्ड सप्लाई अगर खरीदा जा रहा है तो इनवर्ड सप्लाई सिंपल यू you नो know, इन बेटर क्या बोला गया इनवर्ड सप्लाईज ठीक है जो हमने खरीदा लेकिन हम टैक्स किस पे देते हैं आउटवर्ड पे या इनवर्ड पे सर आउटवर्ड पे देते हैं ठीक है क्या बोला इसने ऑन विच टैक्स इज पेबल बाय अ पर्सन ऑन रिवर्स चार्ज बेसिस अब बेटा यहां से हम कहानी को एक दूसरी डायरेक्शन में लेके चलते हैं कैसे समझिए है. दो पार्ट से बेटा ब्रेक करते हैं ठीक है नॉर्मल सप्लाई नॉर्मल समझ लीजिए सिनेरियो और आरसीएम आरसीएम का मतलब रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म यहां पे हमने वर्ड देखा बेटा क्या लिखा होगा? रिवर्स चार्ज बेसिस ठीक है उसको हम बोलते हैं रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म इसको शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं बेटा हम आर सी एम ध्यान से सुनना बेटा बस सुनना भी कुछ नोट करने की जरूरत नहीं है सिर्फ सुन लेना पहले फिर नोट करेंगे मिस्टर एक्स है यहाँ पे कलर चेंज करता हूं बेटा कलर थोड़ा सा सूट नहीं कर रहा है मिस्टर एक्स है बेटा ठीक है मिस्टर एक्स ने सामान बेचा एक्स सोल्ड द गुड्स और हम बोल देते हैं बेटा सर्विसेज ठीक है मिस्टर एक्स ने सामान बेचा या सर्विसेज डिलीवर की टू मिस्टर वाई बिल्कुल ठीक है बेटा सामान भेज दिया अब क्या होगा सामान कितने का था एग्जाम्पल लेते हैं जैसे हमने ज्वेलरी का एग्जाम्पल लिया था ऑफ सिक्सटी लैक्स एट द रेट ऑफ थ्री परसेंट जीएसटी ऑन इट क्लियर है बेटा हमने सेम एग्जाम्पल को कैरी करके चलते हैं अच्छे समझ में आएगा साठ लाख रुपए पे तीन परसेंट जीएसटी तो यहां पे आपकी टैक्सेबल सप्लाई कितनी हुई बेटा ध्यान से सुनना आपकी टैक्सेबल सप्लाई कितनी की हुई 60 ठीक है दिस इज योर टैक्सेबल सप्लाई अब यहां पर सॉरी आउटवर्ड ये बेटा इसको टैक्सेबल सप्लाई बोल दिया आउटवर्ड सप्लाई भी बोलते हैं इसको ठीक है एक ही बात है टैक्सेबल सप्लाई आउटवर्ड सप्लाई एक ही बात है ठीक है तो ये ही हो गया अब इसके ऊपर आउटपुट लाइबिलिटी कितनी की होगी आपकी आउटपुट लाइबिलिटी कितनी की होगी सेम वन लैख एटी थाउजेंड रुपीज तो आपको मिस्टर एक्स को वाई ने कितने पैसे दिए एक्स को वाई ने टोटल दिया सिक्सटी वन लाख रुपीज एंड एटी थाउजेंड रुपीज इतना पैसा दिया वाई वाइनेक्स को तो बेटा अब थोड़ा सा इसको मैं छोटा कर देता हूं नहीं सॉरी ठीक है कितने का सामान एक्स को कितने पैसे दिए सिक्सटी वन थाउजेंड रुपीज ठीक है अब आउटपुट फैलिटी कौन पे करेगा गवर्नमेंट को एक्स पे करेगा ध्यान से सुनना मैं यहाँ पे लिख लो बेटा मिस्टर एक्स विल पे वन लैख एटी थाउजेंड रुपीज टू जीएसटी डिपार्टमेंट मिस्टर एक्स विल पे ये वाला अमाउंट टू मिस्टर टू द जीएसटी गवर्नमेंट ठीक है क्लियर है बेटा बिल्कुल क्लियर है क्या समझ में आएगा सप्लायर ने सामान बेचा रेसिपियंट को ठीक है सप्लायर कौन है मिस्टर एक्स रेसिपियंट कौन है मिस्टर वाई सप्लायर ने रेसिपियंट को सामान बेचा रेसिपियंट ने सप्लायर को पैसे दिए तो जो सेल वैल्यू थी वो तो सप्लायर ने रख ली और जो जीएसटी का अमाउंट था वो सप्लायर ने गवर्नमेंट को पे कर दिया क्लियर है कोई डाउट तो बता दो बेटा क्योंकि अब हम थोड़ा सा अगला कॉन्सेप्ट करने जा रहे हैं कोई डाउट बेटा बता दीजिए इसमें कोई दिक्कत है बेटा बताइए शुड आई कंसिडर अ नो नीथिंग बताइए नो सर बताओ बेटा डाउट बताओ डाउट क्या है जल्दी बताओ डाउट नहीं है समझ में नहीं आगे क्या है मतलब आइडेंटिकेट इट नो डाउट यस क्लियर सर मतलब ठीक है आई एम कन्सिडर्ड दैट यू डोंट हैव एनी डाउट ऑन दिस लेट्स मूव एड ये होगी बेटा नॉर्मल कहानी ठीक है हाँ बेटा मैं मानता हूं 60 लाख के अंदर प्रॉफिट है लेट्स अज्यूम लेट्स अज्यूम 60 लाख इज ऑन इंक्लूसिव ऑफ प्रॉफिट कॉस्टिंग प्रॉफिट सब उसमें है बेटा ठीक है अब आगे चलते हैं सेम कहानी है बेटा हाँ, सेम कहानी है बेटा अब क्या हुआ यहां पे एग्जाम्पल लेते हैं मिस्टर एक्स टुक सम गुड्स ट्रांसपोर्ट बेटा आई एम वेरी सॉरी फॉर माई राइटिंग थोड़ी सी मेरी राइटिंग खराब है ठीक है तो प्लीज मैनेज कर लेना बट आई प्रोनाउंस एंड एवरी थिंग राइटिंग में थोड़ा सा मुझे माफ कर देना मिस्टर एक्स टुक सम गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसीज सर्विसेज जिसको हम बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में जी टी ए जी टी ए गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी सर्विसेज ठीक है बेटा ऑफ रुपीज टू लैक्स दो लाख रुपए की सर्विसेज इसने अब ली है किससे फ्रॉम मिस्टर जेड सेम एग्जांपल को रख रहे हैं ठीक है नंबर्स माइट बी मतलब लॉजिक उस पर मत जाना कि सर अमाउंट ये कैसे हो रहा है लेट्स नॉट गेट इनटू दैट लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड कॉन्सेप्ट ठीक है तो बेटा अगर मैं आपको बताऊं देर आर सर्टेन सर्विसेज there are certain services which are being prescribed by the government of india, maybe gst, or GST department of say where this concept will not be followed. i'm repeating my statement. there are certain list of certain services where this normal concept will not be applicable. तो सर वहां पे क्या होता है वहां पे ये होता है बेटा अब यहां पे अगर मैं कहूं तो बेटा सप्लायर कौन है और रेसिपिएंट कौन है बताइए चलो पहले यहां पे बताओ इधर सप्लायर कौन है और रेसिपिएंट कौन है बताओ सप्लायर और रेसिपिएंट यहां पे बताइए दिख रहा है बेटा अच्छा थोड़ा सा उसको ऊपर कर देता हूं हम्म सप्लायर इधर कौन है रेसिपेंट मुझे बताइए बेटा नॉर्मल सिनेरियो में सप्लायर और रेसिपेंट कौन है बताइए जल्दी बताइए नहीं यहाँ बताओ पहले बेटा यहाँ पहले यहाँ बताओ पहले इधर इधर नॉर्मल केस में यहाँ पर सप्लायर कौन है इधर जो सप्लायर है बेटा वो है मिस्टर एक्स और रेसिपेंट कौन है मिस्टर वाई ठीक है नॉर्मल केस में सप्लायर ये है और रेसिपिएंट भी ये है ठीक है तो नॉर्मल केस में सप्लायर हैज टू कलेक्ट जीएसटी फ्रॉम रेसिपिएंट एंड टू दीएसटी डिपार्टमेंट क्या बोला बेटा मैंने कि नॉर्मल केस में सप्लायर जो होगा वो रेसिपियंट से जीएसटी कलेक्ट करेगा और गवर्नमेंट को पे करेगा क्लियर है ठीक है आगे चलते हैं इधर सप्लायर कौन है और रेसिपियंट कौन है जरा बताओगे मुझे इधर सप्लायर इज द बताइए इन आरसीएम केसेस द आंसर विल रिमेन सेम इन दिस केस व्हाई रेसिपियंट आपका मिस्टर एक्स ही रहेगा और सप्लायर आपका मिस्टर जेड है क्यों क्योंकि सप्लाई किसने की सर्विसेज सर्विसेज जेड ने तो उसने दी है ना और रेसिपेंट कौन लेने वाला कौन है है मिस्टर तो अब कहानी यहां पे थोड़ा सा ट्विस्ट लेगी यहाँ पे क्या होता है सप्लायर ने टैक्स कलेक्ट किया है ना सप्लायर ने किया था ना बेटा यहाँ पे और सप्लायर ने पे किया था लेकिन यहाँ पे ट्विस्ट है आरसीएम में क्या होता है आरसीएम में क्या होता है रेसिपियंट विल पे टैक्सेस फ्रॉम द टैक्सेस काट दो by his own self. तो बस यही डिफरेंस है बेटा क्या कि नॉर्मल केस में सप्लायर से कलेक्ट करेगा और पे करेगा लेकिन आरसीएम में क्या होता है रेसिपियंट ही उसको पे करेगा सप्लायर की कोई लाइबिलिटी नहीं है मैंने एक एग्जांपल आपको दिया जीटीए का दूसरा मेजर एग्जाम्पल देता हूँ लॉयर का अगर मेरी कोई है नॉट नो बेटा नॉट नो अगर मेरी कोई प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है मैंने किसी लॉयर से लीगल सर्विसेज ली है तो मेरी रिस्पांसिबिलिटी है मैं उस अमाउंट पे जीएसटी गवर्नमेंट को पे कर लूंगा और उसका इंटरेस्ट क्रेडिट भी ले लूंगा सप्लायर की लाइबिलिटी नहीं है i'll let you the region when we will discuss entirely the rcm part but just try to understand one step in a normal scenario what happens supplier will be supplier will the uh, from the recipient and will pay it to the government in case of the rcm what happens recipient will have to pay taxes. I it, the taxes Again, what much recipient will be paying the tax to the supplier Like in this case and supplier must making the payment to the government but,